कई चुक लिया पत्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर सुहेल, और आज व्यूअर्स मैं कोटली बजाड़ और जखड़ के दरमियान जो व्यूअर्स 300 मीटर का ब्रिज बन रहा है, जो खारियाँ सियालकोट मोटरवे का दूसरा बड़ा ब्रिज है, वहाँ पे मौजूद हूँ। और ये है व्यूअर्स वो पायल। तो व्यूअर्स, इस पायल के ऊपर इन्होंने टोटल लोड जो था, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 880 टन, वो डाल दिया हुआ है, बल्कि 880 से भी ज़्यादा डाला हुआ है। तो इसकी कंप्लीट व्यूअर्स थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरी वीडियो पे पहली दफ़ा है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि खारियाँ सियालकोट मोटरवे के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ हैं और लेटेस्ट न्यूज़ हैं और जो भी इसका लेटेस्ट वर्क हो रहा है, अपडेट है, अपडेटेड वर्क, वो आप व्यूअर्स तक पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, ये पायल है, जो इस पायल का इंशाल्लाह मैं सारा आपको जो है प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और प्रीवियस इसका रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। तो इसका प्रैक्टिकल वर्क दिखाने से पहले व्यूअर्स, सबसे पहले आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को जान लें कि ये जो है ये 300 मीटर का ब्रिज है और खारियाँ सियालकोट मोटरवे का दूसरा बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर काम हो रहा है। कोटली बजाड़ और जखड़ के दरमियान ये बन रहा है, जो के नाले के ऊपर, बरसाती नाला है, उसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है मोटरवे का। यूकॉन कंपनी इस ब्रिज को बना रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 300 मीटर का ब्रिज है, खारियाँ सियालकोट मोटरवे का दूसरा बड़ा ब्रिज। और इसका व्यूअर्स, कुछ दिनों पहले ये बोरिंग वगैरह हुई थी और उसके बाद स्टील इंसर्ट किया था, उसके बाद कंक्रीट के बाद कुछ दिनों तक इसे छोड़ दिया गया था। तो उसके बाद इस पे, जैसे मैंने आपको ब्लॉक्स का दिखाया था, ब्लॉक्स रख के, और जो कि पिछली थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो उसमें भी वजह ये था कि वो जैक और प्लेट वगैरह रख के, इन्होंने गार्डर्स रख के इसके ऊपर 880 टन का लोड डाला है। क्योंकि व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि ब्रिज का वेट जो है वो 440 टन है, अगर तो डबल वेट इन्होंने डालना है। और 1.2 मीटर इसका जो डाया है, 1200 mm जो है ये पाइल डाया है, और 28 मीटर की इसकी जो वो डेप्थ है, इस पाइल की जो डेप्थ है वो 28 मीटर है। तो उस हवाले से व्यूअर्स, इसके ऊपर अभी इनका वेट जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, तो 880 टन से भी इन्होंने ज़्यादा वेट डाला हुआ है, ताकि इक्विलिब्रियम के लिए और बैलेंस के लिए। तो अभी हम व्यूअर्स यहाँ पे कैंप में बैठे हुए हैं, ये कैंप लगा हुआ है, सारे इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसका लोड और एवरीथिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हुई है। कुछ ही देर में इसका पायल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और पायल टेस्ट जो है व्यूअर्स, वो घंटे घंटे बाद जो है इसके ऊपर लोड डाला जाएगा। जैसे कि 880 टन है, तो 88 टन के हिसाब से हर घंटे के बाद जो है इसका लोड जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स उस तरफ। ये व्यूअर्स, इस तरफ क्रेन लगी हुई है कि जो लोड ऊपर रखा हुआ है उसके साइडों पे स्टील लगा रहे हैं, ताकि वो लोड गिरे ना, क्योंकि एक दफ़ा ये लोड गिर भी गया था। और दूसरी तरफ वो एक्सीवेटर लगा हुआ है, जो कि साइडों पे मिट्टी डाल रहा है, ताकि लोड जो है वो बैलेंस रहे। तो ये प्रोसेस था व्यूअर्स, ये राइट साइड पे जो स्टील इंसर्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वो प्रीवियस प्रोसेस था जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो इसकी पायल की बोरिंग करके उसके अंदर फिर स्टील डाला था, और स्टील डाल के फिर उन्होंने कंक्रीट करके, तो इसके ऊपर ये वो पायल है जिसके ऊपर ये अभी लोड डाला हुआ है। और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पर देखें, वो बकेट के अंदर हमजा भाई हैं, हमारे सर्वेयर हैं,
वो क्रेन के ज़रिए बकेट में बैठ के ऊपर जा रहे हैं लोड के ऊपर, ताकि एवरीथिंग ओके की रिपोर्ट देने के लिए। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह यहाँ पे गेजेस वगैरह वो लग जाएंगी, और गेजेस लगने के बाद हर चीज़ ओके रिपोर्ट आने के बाद इंशाल्लाह पायलट टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये दोनों वीडियोस को आप देखें, ये जो राइट साइड वाली वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो है जिसके जो कि बोरिंग करके इन्होंने स्टील इंसर्ट किया था इस पाइल का। ये मैं दोनों आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहले इसका प्रोसेस ये था, और अब जो है ये लोड के बाद इसकी ये पिक्चर है लेफ़्ट साइड पे। तो ब्रिज बनाने से पहले भी उसे पाइल टेस्ट होता है ताकि कल को जो ब्रिज है वो बैठ ना जाए। तो आज व्यूअर्स इस पाइल टेस्ट शुरू होने से पहले दुआ खैर भी है। तो अभी देखें व्यूअर्स, यहाँ पे दुआ खैर शुरू हो चुकी है, और सारे इंजीनियर्स, जीएम और पीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और कंसल्टेंट कंपनी के भी यहाँ पे इंजीनियर्स मौजूद हैं। सामने जो है वो जीएम साहब बैठे हुए हैं यूकॉन के, और उसके साथ इस तरफ पीएम साहब बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सारे वर्कर्स जो हैं वो भी इस दुआ खैर में शामिल हैं। और मिठाई लाई गई है इसके लिए स्पेशली, ताकि पाइल टेस्ट शुरू होने से पहले यहाँ पे दुआ खैर की जाए और सब में मिठाई तकसीम की जाए, ताकि पाइल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इस पाइल की सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए दुआ खैर की जाए। अभी व्यूअर्स मिठाई तकसीम की जा रही है सब में, इंजीनियर्स में, जीएम में, पीएम में और वर्कर्स में, जितना भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये असल में बहुत अच्छी बात होती है बीइंग ए मुस्लिम। हमारा ये ईमान है कि कोई भी काम जो है हम जितनी भी स्ट्रगल कर लें, जितना भी 100% दे लें, तो उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो कि उसे जो है पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वर्कर्स में भी माशाल्लाह मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट्स सारे माशाल्लाह मौजूद हैं पाइल टेस्ट के लिए। और व्यूअर्स, ये तकरीबन 24 घंटे ये पाइल टेस्ट चलेगा, हर घंटे घंटे बाद जो है इसकी रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ की जाएगी, और फिर फाइनल रिपोर्ट तक व्यूअर्स ये सारे जो हैं ये यहीं पे मौजूद होंगे। अभी व्यूअर्स आपको पाइल के अंदर लेके चलता हूँ, और क्यों कंप्लीट इसकी थ्योरी बताता हूँ, जहाँ पे गेजेस लग चुकी हैं और जैसे प्रेशर दिया जाएगा और कैसे इसको मॉनिटर किया जाएगा। तो चलते हैं अंदर। ये ब्रदर M1 लगी हुई है, ये वाली इधर से होके बनाई, ये M1 है, ठीक है, ये M2 है और वो M3 है, ये तीन गेजेस लगी हुई है, ठीक है, जो हमें बता रही है इस टाइम कैलिब्रेशन। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है, ये उसके ऊपर प्लेट है, ये उसके नीचे दो स्मॉल प्लेट्स हैं, ये उसके नीचे बड़ी प्लेट है, और वो हमारा हाइड्रोलिक पाइप है, ठीक है, ये रेफरेंस गार्डर है, और वो बाहर हमारा ये रेफरेंस गार्डन जी, ये रेफरेंस गार्डर BMC और कॉल है, ठीक है, ये रेफरेंस गार्डर है, वो हाइड्रोलिक पाइप है और वो लगा हुआ है, ये हाइड्रोलिक पाइप है जी, इसके जरिए प्रेशर देते हैं जी जी, अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाते हैं जी, जिस तरह अभी फर्स्ट इंक्रीमेंट जा रहा है, अच्छा, इसमें हमने 750 PSI प्रेशर दिया हुआ है, अच्छा, और 1, 2 और 3 पे ये किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज ये कैलिब्रेशन हो रही होती है ना, हर 5 मिनट बाद इसका चेक एंड बैलेंस करते हैं कि गेजेस किधर तक गई हैं, इसके अंदर अच्छा। एक स्मॉल गेज होती है ना ये, अच्छा, इसकी वजह से हमें चेक एंड बैलेंस का पता चलता है कि कितने पे है कितने पे नहीं है। अब जिस तरह ये है 1, 2 पे 2 पॉइंट आ रही है 68, ठीक है, अच्छा, ये इस तरह पता चलता है, पर इनको हम टच नहीं कर सकते, ये हवा के थ्रू भी MM 0.mm होती है ना, तो ये हिल जाती है,
तो असल जो प्रेशर लगा हुआ है वो वायर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा गार्डर है, ये 8 टन का है, फिर उसके 8 टन का जी। फिर इसके ऊपर ये स्मॉल गार्डर्स हैं, ये बड़ा गार्डर है, फिर ये इसी तरह सारे गार्डर्स लगे हुए हैं। ये तकरीबन 20 टन का ही है, ये 20 टन का टोटल, ये सारे ऑल टोटल 20 टन के, इसे मिला के। हाँ जी, इसे मिला के टोटल 20 टन। उसके बाद ये आता है ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक है 4 टन 400 किलो 500 किलो, ये एक ब्लॉक 4 टन 500 किलो। हाँ जी, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 500 किलो है, कोई 400 किलो है। अच्छा, ये ब्लॉक्स हैं और वो हमारा प्रेशर लगा हुआ है, बीस सही का है। ये फाइनल है, यहाँ से प्रेशर देते हैं हम ये हाइड्रोलिक को ना, ये पाइप जो आपको बताया हाइड्रोलिक पाइप लगा, ये हाइड्रोलिक जैक में लगा हुआ है, ये उसको प्रेशर देते हैं। 15,000 PSI की गेज है, ठीक है, ये इसका 750 प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अभी 750 दिया हुआ है और घंटे बाद फिर इसका बढ़ाएंगे जो पेज पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट के मुताबिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इसका वो है हाइड्रोलिक ऑयल, यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल डलता है, इसमें ये इसका डब्बा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से डालते हैं ना हम, साथ साथ जो उसमें जाता है, क्योंकि इसमें डलते ही हाइड्रोलिक स्टेन रखता है ज़्यादा देर। अच्छा अच्छा, हाइड्रोलिक ऑयल के ज़रिए ये प्रेशर जो है जी मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से अगर जैसे आप बता रहे हैं कि 750 होगा जी, तो तीनों गेजेस पे वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे जी। जी, मेजरमेंट आ रही होती है ना, पाइल कितनी एडजस्ट हो रही है, सेटलमेंट ले रही है। अच्छा जी, मीन्स के तीनों साइड से ये गेजेस बता इक्वल है कि नहीं जी। ये रेफरेंस गार्डर इसीलिए लगाए ना, अब जो गेजेस लगी हुई हमारी वो रेफरेंस गार्डर्स के ऊपर लगी हुई, रेफरेंस गार्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 फुट इधर से भी बाहर है, 5 फुट उधर से भी बाहर है, 5 फुट इधर से बाहर है, 5 फुट इधर से बाहर है, उस साइड से, वो देखें वो वाली साइड। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो लास्ट कॉर्नर जो है इसका जी जी। ये इस वजह से किया कि पाइल अगर एडजस्ट करे तो गेजेस के ऊपर कैलिब्रेशन के ऊपर कोई फर्क ना आए। क्या एडजस्ट कर रहे थे, मतलब पाइल एडजस्ट करती है ना, जमीन बैलेंस जी जी ना, अब इतना लोड है, जिस तरह अब ये है तकरीबन 970 टन का, 970 टन। हाँ, ये 970 टन है ना, तो आप जब वो पाइल एडजस्ट करेगी तो लोड तो सारा उसके ऊपर आ गया हाइड्रोलिक जैक की वजह से जी जी। तो फिर इस वजह से ये जो गेजेज हैं ये इस रेफरेंस गार्डर के साथ लगी हैं, गेजेस रेफरेंस गार्डर के साथ लगे हैं, इनके एरिया से बाहर हो गया जी 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 जी, एरिया से बाहर हो गया अगर पाइल एडजस्ट करती है, समझ आ गई। मतलब अगर जमीन का कोई वो हो तो उससे इसको फर्क ना पड़े जी, वो रेफरेंस गार्डर्स की वजह से, रेफरेंस गार्डर्स की दोनों जो है वो इक्वल उस पे है, लेवल पे है, बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल है, जमीन के लेवल पे। और ये गेजेस भी इसी वजह से ये रेफरेंस गार्डर्स के ऊपर रखी हुई है कि इनको उससे कोई फर्क ना पड़े, और जो भी माइनर भी फर्क आता है जी जी। इसमें पाइल में वो गेजेस हमें वो गेजेस बता देंगे, फटाफट कैलकुलेट करके कितनी पाइल सेटलमेंट ले रही है, किस साइड से ले रही है। आप जिस तरह तीन लगी हुई है M1 M2 M3, अच्छा वो उन तीनों में अलग अलग वो बता रही हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से ठीक ठीक ठीक, चले सही हो गए, शुक्रिया जी। तो अभी देखे आपने इसकी कम्प्लीट थ्योरी इस पाइल की और गेजेस की और प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसके ऊपर एक और वीडियो डालूंगा, और बाकी जिन व्यूअर्स को इस हवाले से थोड़े बहुत शक व शुबात रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो मिलता हूँ व्यूअर्स आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल, तो चलते हैं व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।